नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका MH1 न्यूज में। राजधानी दिल्ली G20 समिट से पहले दुल्हन की तरह सज चुकी है, तो दिल्ली की दीवारों से लेकर सड़कों पर G20 समिट का सरूर चढ़ रहा है। ऐसे में ये विदेशों से दिल्ली आने वाले मेहमानों के स्वागत के लिए होटल्स में विशेष तैयारियां की गई है। तो विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए होटल ने अपने स्टाफ से खास तौर पर अलग अलग वर्ग के लोगों को चुना है, चयन किया है। मेहमानों का स्वागत करने और देश की विविधता दिखाने के लिए LGBTQI और दिव्यांग जन समूह के एक व्यक्ति को इस स्वागत का समूह का हिस्सा बनाया गया है, जो आने वाले मेहमानों का साइन लैंग्वेज में स्वागत करेंगे। तो होटल्स के कमरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, इसके साथ ही मेहमानों के खाने पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। तो दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है, अपने अंतिम चरणों में है। तो मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है और दिल्ली दुल्हन की तरह सज चुकी है। तो जिन होटल्स में इन विदेशी मेहमानों को रुकना है, ठहरना है, वहां पर उनके स्वागत के लिए पूरी तैयारियां चल रही है। कैसे उनका स्वागत करना है, उनके खाने पीने के लिए किस तरह का मेन्यू हो, अच्छे से अच्छा मेन्यू जो भारत की विविधता को दर्शाता हो, तो मेहमानों के स्वागत के लिए दिल्ली तैयार है। दिल्ली में G20 सम्मेलन की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा की दृष्टि से देखें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। तमाम एजेंसियां कड़ी नज़र, पैनी नज़र रख रही हैं। तमाम होटल्स के आसपास भी, जो 5-4 होटल्स हैं, वहाँ पर भी कड़ी व्यवस्था की गई है और होटल्स में उनका स्वागत करने के लिए विशेष इंतजाम भी किए गए हैं। जहां पर एक तरफ पूरा भारत, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत करने के लिए तैयार है, तो वहीं दूसरी तरफ ये जो समिट है दिल्ली के लिए भी काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि G20 सम्मेलन की तैयारियों के बीच जगह जगह इस तरह की विशेष व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से दिल्ली वाले भी अब गदगद होते हुए दिखाई दे रहे हैं।